शक्कर यानी चीनी की खोज किस देश में हुई थी? शक्कर यानी चीनी की खोज भारत में हुई थी। कौन सा पक्षी कभी घोंसला नहीं बनाता है? कोयल पक्षी है जो अपना कभी घोंसला नहीं बनाता है। किस जीव का दिल 1 मिनट में 9 बार धड़कता है? 1 मिनट में 9 बार दिल ब्लू व्हेल मछली का धड़कता है। नवाबों का शहर किस देश को कहा जाता है? नवाबों का शहर लखनऊ को कहा जाता है। कौन सी चीज़ गर्म करने पर जम जाती है? गर्म करने पर अंडा जम जाता है। किस सब्जी को खाने से दांत साफ होते हैं? पपीते की सब्जी को खाने से दांत साफ होते हैं। सबसे अधिक दयालु कौन सा जानवर होता है? सबसे अधिक दयालु जानवर हाथी है। खाना खाने के बाद क्या खाने से इंसान मर जाता है? खाना खाने के बाद चाय पीने से इंसान मर सकता है। भारत का सबसे बड़ा पशुओं का मेला कहाँ लगता है? भारत का सबसे बड़ा पशुओं का मेला बिहार में लगता है। भारत का पेरिस किसे कहते हैं? भारत का पेरिस जयपुर को कहते हैं। मकड़ी बिना खाए पिए कितने दिनों तक जिंदा रह सकती है? मकड़ी बिना खाए पिए 8 महीनों तक जिंदा रह सकती है। कोरोना वायरस का पहला केस किस देश में पाया गया था? कोरोना वायरस का पहला केस चीन में पाया गया था। कौन सी सब्जी खाने से खून साफ होता है? करेले की सब्जी खाने से खून साफ होता है। सूर्य के प्रकाश से कौन सा विटामिन मिलता है? सूर्य के प्रकाश से विटामिन डी मिलता है। महात्मा गांधी जी का जन्म किस राज्य में हुआ था? महात्मा गांधी जी का जन्म गुजरात में हुआ था। भारत का सबसे बड़ा नमक उत्पादक राज्य कौन सा है? भारत का सबसे बड़ा नमक उत्पादक राज्य महाराष्ट्र है। ओलंपिक खेलों का आयोजन कितने वर्षों के बाद होता है? ओलंपिक खेलों का आयोजन 4 वर्षों के बाद किया जाता है। जिलों का नगर किसे कहते हैं? जिलों का नगर श्रीनगर को कहा जाता है। टोक्यो किस देश की राजधानी है? टोक्यो जापान की राजधानी है। चांद पर सबसे पहले कौन सा पौधा उगाया गया था? चांद पर सबसे पहले कपास का पौधा उगाया गया था। कोरोना वायरस की दवाई की खोज सबसे पहले किस देश ने की थी? कोरोना वायरस की दवाई की खोज सबसे पहले रूस ने की थी। मैगी खाने से कौन सी बीमारी होती है? मैगी खाने से कैंसर की बीमारी होती है। किस जीव की आंखें नहीं होती हैं? केंचुआ की आंखें नहीं होती हैं। सबसे पहले इंटरनेट का प्रयोग किस देश में हुआ था? इंटरनेट का प्रयोग सबसे पहले अमेरिका में हुआ था।